खूबसूरत बीचेस, कैफेज, फ्रेंच एंड तमिल आर्किटेक्चर। मैं बात कर रहा हूं पांडिचेरी की। लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी जहां ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न लाइफस्टाइल साथ साथ चलते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आ गया हूँ पांडिचेरी। दिल्ली से 6:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी चेन्नई तक की, और चेन्नई से मैंने बस ली पांडिचेरी की। 3.5 घंटे लग गए मुझे बस में पांडिचेरी पहुंचने में। जिस बस में मैं आया वो बस थी वॉल्वो, और उसका फेयर था 190 रुपीज पर पर्सन, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल था, बिकॉज जो 3-3.5 घंटे की जर्नी थी, अगर वो नॉर्मल बस में मैं आता तो मेरे को लगते 140 रुपीज, बट मैं वॉल्वो में आया विद एसी तो मुझे लगे 190 रुपीज। एंड अभी मैं जा रहा हूँ रॉक बीच, विच इज रियली फेमस बीच इन पांडिचेरी। तो अभी जाते हैं रॉक बीच एंड देन विल गोना सी के हाउ इज दिस। सो मैं हूँ पांडिचेरी के रॉक बीच पे, और इसको रॉक बीच क्यों बुलाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बिकॉज पूरे बीच पे यहाँ पे रॉक्स ही रॉक्स हैं। और इसी बीच पे अगर हम उस साइड जाएंगे तो इट्स प्रोमिनेंट बीच, और उसके बिल्कुल पीछे पांडिचेरी का वाइट टाउन है जो कि फ्रेंच कॉलोनी है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है वहाँ का। मोस्टली लोग यहाँ पे सनराइज के लिए आते हैं, बिकॉज इट्स एन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, तो सनसेट यहाँ पे होता नहीं है, बीच पे सनराइज होता है, तो काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में सनराइज देखने। शाम को भी काफी भीड़ होती है और अभी भी काफी भीड़ है। इट्स वन ऑफ द रेयर चांसेस के मैं बीच पे आऊँ सनराइज देखने, बट इट इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। यू कैन जस्ट सी दिस बीच, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी इट्स अराउंड 7:15 और बहुत ज्यादा धूप होती है। सो आफ्टर रॉक बीच मैं यहाँ पे आया हूँ प्रोमिनेंट बीच पे, और यहाँ पे देर इज दिस रेस्टोरेंट ली कैफे, एंड इट्स अ रियली गुड ऑप्शन अगर आप सनराइज के टाइम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दो यहाँ का खाना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, हैव जस्ट ऑर्डर वन साउथ इंडियन प्लेट एंड इट्स जस्ट एवरेज। इट्स राइट ऑन द बीच, बिल्कुल बीच के ऊपर है ये जगह। सो आफ्टर प्रोमिनेंट बीच और रॉक बीच आई एम गोइंग टू पैराडाइज बीच। प्रोमिनेंट बीच से 1/2 घंटे का ड्राइव है, आई थिंक इट्स अराउंड 12 किलोमीटर। वहाँ से एक छोटा सा बोट राइड भी होगा। सो पांडिचेरी घूमने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है, आप स्कूटी ले सकते हैं रेंट पे, जैसे कि मैंने ये स्कूटी लिया रेंट पे, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। सिर्फ 250 रुपीज पर डे पे मुझे ये स्कूटी मिल गई। टैक्सी या ऑटो भी ले सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगे। यहाँ पे पार्किंग है टू व्हीलर की एंड इट कॉस्ट मी 71 रुपीज, और अंदर से वहाँ से टिकट मिलेगी बोट की। और यहाँ से पैराडाइज आइलैंड जाने के लिए बोट फेरी मिलती है, हाउस बोट भी है। का रेट आई डोंट नो कितना है, वहाँ पे जाके काउंटर पे जाके देखते हैं फिर पता लगेगा। तो ये है पांडिचेरी का पैराडाइज आइलैंड, और ये है पैराडाइज बीच। एज कम्पेयर टू अदर पांडिचेरी बीचेस जहाँ पे मैं सुबह गया था, रॉक बीच एंड प्रोमिनेंट बीच, ये काफ़ी सिक्लूडेड है, काफ़ी खाली सा है। जो प्रोमिनेंट बीच है वहाँ से मेरे को यहाँ पे आने में लगा 15-20 मिनट्स स्कूटी पे। उसके बाद मैंने फेरी ली जिसने 300 रुपये लिए मेरे को यहाँ पे छोड़ने के लिए, और उसने भी लगाए 15-20 मिनट। काफ़ी शांति है यहाँ पे, ज़्यादा लोग है नहीं। यहाँ पे थोड़े से शैक्स बने हुए हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं। जिस दिन धूप कम हो और मौसम अच्छा हो तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the touch.
So after Paradise Beach, it's almost 1. So I'm going to have lunch. और पॉन्डेचेरी का एक बहुत ही फेमस कैफे है, कैफे दस आर्ट. और ये पूरा वाइट टाउन है और वाइट टाउन के अंदर ही कैफे दस आर्ट है. दिस इज दिस कैफे दस आर्ट. दिस इज वेरी फेमस. लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे. Cafe des Arts is a unique antique art inspired cafe jo ki French cafe food serve karta hai. So ye tha Cafe des Arts and all the hype jo iska tha, it was actually true because jo inka interior hai, it's so creative, so beautiful, and along with that jo inka food hai wo bhi bahut zyada amazing hai. And one more thing, it's a pet friendly place, so aap yahan pe bhi apne pets leke aa sakte hain. And if you are coming to Pondicherry, then this cafe is must. सो आफ्टर लंच जो मैंने करा था कैफे दस आर्ट में, उसके बाद मैं होटल में आ गया था वापस बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी. और अभी हम जा रहे हैं, देर इज़ दिस मार्केट क्राफ्ट बाजार. वहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इट इज़ अ कैनाल. सो कैनाल के लेफ्ट हैंड साइड पे इट्स वाइट टाउन और कैनाल के राइट हैंड साइड पे इट्स हेरिटेज टाउन. ये कैनाल डिवाइड करता है वाइट टाउन और हेरिटेज टाउन को. ये अभी हम वाइट टाउन में एंटर कर चुके हैं. सो सारे कैफेज इसी जगह पे है वाइट टाउन पे. और ये जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है, ये सारे वाइट टाउन के अंदर है. सो ये बिल्कुल सामने अपना प्रोमिनेंट बीच है एंड दिस इज क्राफ्ट बाजार. तो ये था क्राफ्ट बाजार एंड फ्रॉम दिस क्राफ्ट बाजार आई गॉट दिस स्मॉल नेकलेस काइंड ऑफ थिंग एंड इट्स ओनली कॉस्ट मी 50 रुपीज. वाज गुड कमिंग हियर. आई गॉट समथिंग फॉर मी एंड इट इज रियली गुड. So I'm at this cafe, Coromandel Cafe, and they serve French cuisine. Abhi shaam ko they have just turned on their lights. Cafe ki lights inhone abhi on kar di hain, so it's looking really beautiful. Thodi thodi si roshni hai abhi, pura andhera nahi hua hai. It's a pet friendly place, so agar aapke paas dogs hain, cats hain, to aap unke saath yahan pe aa sakte hain. Let's see food kaisa hai. Jaise hi food aayega, I'll give you the review of all that. So about the food here at Coromandel Cafe, it is actually really good. काफ़ी अच्छा खाना है यहाँ का. और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेटिंग होती है. किसी भी टाइम आप आएँ बहुत ज़्यादा रश होता है. सो टाइम निकाल के आइएगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. और डे टू की शुरुआत हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ सेरेनिटी बीच पे, जो कि है मेरे होटल से 5.5 किलोमीटर. और वहाँ जाने में मुझे लगेगा ऑलमोस्ट 22-25 मिनट्स. कल रात में पॉन्डिचेरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से वेदर जो है आज थोड़ा सा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया है. बिकॉज कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा धूप थी, जो अभी नहीं है. और आई होप दिन में भी ना हो. सनराइज के बाद क्या पता धूप दोबारा से हो जाए, ह्यूमिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाए. सो आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ. सनराइज हो चुका है ऑलरेडी. सो जैसे कि मैंने देखा और पढ़ा, मेरे को पता लगा सेरेनिटी जो बीच है वो इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बीचेज. सनराइज तो क्या ही हुआ है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पूरा दिन हो गया है. एंड फक, किसने बोला था कि कम भीड़ होती है? इट्स रियली क्राउडेड. इतनी सारी बाइक्स और कार खड़ी हुई हैं यहाँ पे ऑलरेडी. सो दिस इज सेरेनिटी बीच. और जिसने भी बोला था कि यहाँ पे कम भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे. बट इफ़ यू कंपेयर दिस बीच विद रॉक बीच या फिर प्रोमिनेंट बीच, यहाँ पे कम लोग हैं. पर इसके बैक साइड में यू कैन सी ये पूरी लेन में देर आर रेस्टोरेंट्स, देर आर होटल्स. मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे एट बीच फ्रंट तो ये वाली जगह काफ़ी अच्छी है.
सो अगर आपको फिश पसंद है तो 7:30 बजे करीब इस बीच पे शॉप्स लग जाती हैं, जो भी फिश पकड़ के लाए हैं फिर वो यहाँ पे सेल करते हैं। तो इफ़ यू आर अ फूडी तो यू कैन बाय फ्रेश फिश फ्रॉम देयर। सो ये था सेरेनिटी बीच। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ये सारे जॉइंट्स हैं यहाँ पे, यू कैन कम एंड यू कैन डू ब्रेकफास्ट। और वन मोर थिंग, अगर आप पांडिचेरी में एक शांत जगह है स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़े सारे होटल्स हैं, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं बीच फ्रंट एंड दे आर लुकिंग रियली गुड। मैं मिस कर रहा हूँ कि एक रात में को यहाँ पे रहना चाहिए था। मैंने ट्रिप एडवाइज़र पे सर्च करा और मेरे को वहाँ पे एक बड़ा ही अमेजिंग सा रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा। मैं यहाँ पे आया एंड आई फाउंड इट रियली गुड। इट्स ऑल कॉलोनियल टाइप ऑफ इंटीरियर, ओल्ड स्कूल इंटीरियर है। इट्स फुल व्हेन आई केम हियर एंड आई हैव टू वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर टू गेट टेबल। तो ये था विला शांति। द फूड देयर वाज रियली अमेजिंग, इट वाज एक्चुअली रियली गुड। और ज़्यादा मुश्किल आपको होगी नहीं इसको ढूंढने में, बिकॉज जो कैफे दस आर्ट है एंड दिस प्लेस विला शांति, इट्स ऑन द सेम रोड। सो यू कैन सी ये कैफे दस आर्ट यहाँ पे और जो विला शांति है इट्स राइट देयर। आई रिमेंबर देम लाइक दे वर यस्टरडे। सो दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज ओपन स्पेस। मेरा जो रूम है वो ऊपर है एंड सो दिस इज़ द टेरेस। और यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 रूम्स हैं और ये वाला मेरा रूम है। सो दिस इज़ माई रूम एट होटल कोरामंडल। इट्स अ क्वाइट बिग रूम। यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे डबल बेड है, वॉशरूम वहाँ पे, टीवी लगा हुआ है, एसी इज़ देयर एंड दिस इज़ अ स्मॉल ड्रेसिंग एरिया। इफ़ यू वांट टू हायर अ स्कूटी देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो पांडिचेरी इज ऑल्सो फेमस फॉर चर्चेस और मैं कभी जिंदगी में किसी चर्च में गया नहीं हुआ हूँ। ये बहुत ही सही मौका है कि मैं पांडिचेरी में कोई चर्च एक्सप्लोर करूँ। एक चर्च है सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च विच इज रियली फेमस। आई डोंट नो वो फेमस क्यों है बट वहाँ पे जाके पता लगेगा, मे बी बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर और मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। और 5 बजे शाम को ओपन होती है वो चर्च। सो इट्स 5:10 नाउ तो आई थिंक कि वो ओपन हो गई होगी। सो वो था इवनिंग प्रेयर एट दिस चर्च एंड इट वॉज एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा पीसफुल था द होल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग इनसाइड, सिटिंग देयर फॉर लाइक 10 मिनट। अगर आप पांडिचेरी में हैं तो यू कैन कम हेयर, यू कैन जस्ट सिट देयर रिलैक्स फॉर सम टाइम, थोड़ा सा पीस में आप बैठेंगे तो इट इज रियली गुड। तो ये था पांडिचेरी का पूरा ट्रिप मेरी आंखों से। मैं आम यात्री और ये मेरा सफ़र।